हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जरा एक बार रिवाइज करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया था फ्यूजन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इनके द्वारा होता है। अब ये फ्यूजन टू टाइप्स का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जैसे अभी हुआ तो भागों में टूट जाता है, मल्टीपल फ्यूजन अनेक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसी पेरेंटल सेल से। फ्रेगमेंटेशन यानी स्पाइरोगायरा से एनिमल्स ये क्या होते हैं, कई भागों में टूट जाती हैं स्पाइरोगायरा, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं, बिखर टूट जाते हैं भागों। बडिंग एक होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक होता है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग होता है हाइड्रा के अंदर, एक्सटर्नल बाहर की साइड में निकलता है बडिंग, ऐसा हाइड्रा बड निकलती है। जब वह मैच्योर हो जाता है तो हाइड्रा से इंडिविजुअल हो जाता है, फ्री हो जाता है। इंटरनल बडिंग आपका स्पॉन्जिलियल, किसमें, स्पॉन्जिलियल में आपको देखने को मिलता है, अंदर से ही बडिंग निकलती है। फिर रिजनरेशन जैसा हाइड्रा प्लिनेरिया, हाइड्रा एक्सटर्नल बडिंग भी है, क्यों, रिजनरेट करता है ये, हाइड्रा रिजनरेट भी करता है, साथ साथ में करता है रिजनरेट करता है। जब अलग हो रहा है तो उसके जो पार्ट्स हैं जो अलग रहा है तो वो कैसे है, पूरे क्या है, मैच्योर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, क्या करेगा, रीजनरेट करेगा जब अलग होता है। तो रीजनरेट होते रहते हैं हाइड्रा, क्या होता है, रीजनरेट होता रहता है, दोबारा से रीजनरेट हो जाता है अगेन। इसी प्रकार से प्लिनेरिया, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा सबसे प्रोडक्शन होता है राइजोफस पेनिसिलियम, स्पोर बनते हैं उसके द्वारा नए प्लांट्स बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स। अब नेचुरल मेथड्स क्या होता है, हमने आपको बताया था स्वीट पोटैटो है फ्रॉम रूट से प्राप्त होता है, पोटैटो ट्यूबर है फ्रॉम स्टेम से प्राप्त होता है, तो स्वीट पोटैटो तो हमारा फ्रॉम रूट से और जो पोटैटो ट्यूबर है वो किससे, फ्रॉम स्टेम से। तो ब्रायोफिलम किससे होता है, फ्रॉम लीफ से, ठीक है। ऐसे आर्टिफिशियल मेथड, तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, हम उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व रहता है, उसके द्वारा किए गए जो मेथड है, टेक्निक है, वो इन्वॉल्व रहती है। तो क्या होता है, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, टिश्यूज कल्चर है, तो कटिंग करते हैं शुगर कैन को, रोजेस को, फिर न्यू प्लांट्स बनाते हैं, ग्राफ्टिंग मैंगो को ग्राफ्ट बनाई जाती है, लेयरिंग जैस्मिन वगैरह की लेयरिंग, लेयरिंग भी टू टाइप्स की होती है आपकी, अंडरग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ऐसे टिश्यू कल्चर ये डहेलिया वगैरह में देखने के मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करके तो आता है प्लांट्स में। अब प्लांट्स में कैसे होता है, जो हाइयर प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। किस प्रकार से देखने को मिलता है, इस टाइप से समझ सकते हैं, आपने देखा होगा मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है, मेल और फीमेल दोनों उसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख लेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर VSS की, जिस टाइप से किसी चीज को जब जिस टाइप से कट करते हैं तो ये VS वर्टिकल सेक्शन क्या रहता है, और ये जो कटते हैं ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। तो VSS की तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका थैलेमस है, जो ये ग्रीन कलर के हैं आपके सेपल या कैलिक्स कहलाते हैं, ये जो या दिस टाइप यानी कि कलरफुल जो होते हैं पार्ट्स वो हमारा क्या कहलाता है, पेटल या करोला कहलाता है। और ये पेटल ही हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं, इंसेक्ट वगैरह इसी तरह क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं फ्लावर की तरफ, इसके द्वारा पेटल के द्वारा कोरोला के। जो आपको देख रहा हूँ ओवरी, और ये आपका स्टाइल, और ये आपका स्टिग्मा, और ये क्या फीमेल पार्ट है, ये जो है क्या पार्ट है, फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, जिसे बोलते हैं आप कार्पल या गाइनोसियम, कार्पल या गाइनोसियम, ये अलग अलग पार्ट है इसका, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। और इसे कंप्लीट को सारे को सारे क्या बोलेंगे आप, कार्पल या गाइनोसियम या फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये एंथर है और ये इसका फ्रेगमेंट है। अब ये कैसा होता है, ये मेल पार्ट होता है, क्या होता है, मेल पार्ट होता है,
ये आपका एंड्रोसियम होता है। क्या होता है ये? एंड्रोसियम होता है। ये आपका गाइनोसियम, ये क्या है आपका? एंड्रोसियम होता है। तो पेटल यानी कोरोला, सेपल, कैलिक्स, थैलस, द पार्ट ऑफ फ्लावर्स यानी इसका वीएस वर्टिकल सेक्शन है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो आपका स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर जब ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उसके मैच्योर होने के बाद जो इसका है, आपका ये गाइनोसियम है, गाइनोसियम के स्टिग्मा पर जब इसके ऊपर गिरते हैं तो ये स्टाइल से होते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं स्टूडेंट्स? ओवरी में पहुँचते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग तैयार होने लगते हैं, सीड तैयार होने लगते हैं ओवरी के अंदर जाने के बाद। तो ये लाइफ जिस टाइप से समझ सकते हैं पोलन ग्रेन, जैसे कि अब ये आपके एंथर हैं, एंथर क्या होंगे, जो एंथर है ये कनेक्टिव इस टाइप से होते हैं, और ये फिलामेंट है। अब ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स इसके अंदर रहते हैं। अब पोलन ग्रेन्स, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये इसके स्टिग्मा पर गिरते हैं, और स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, ये ओवरी में पहुँचते हैं। और क्या कहता है, फिर बहुत सारे इसके अंदर सीड्स क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और उससे क्या बनते हैं, न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो ये क्या कहलाता है, यानी कि दो सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, एक फीमेल और एक मेल पार्ट, और ये दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक न्यू प्लांट्स को बनाने में, यानी कि एक प्रकार की क्या रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सेपरेट सेपरेट होते हैं। अब सेपल, सेपल आर के, अभी हमने बताया आपको ग्रीन वगैरह होते हैं, पेटल बताया आपको, स्टेमेंस, एंड्रोसियम और कार्पल। तो ये था स्टूडेंट्स किसमें, इन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी हाइयर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। अ फंक्शन ऑफ फ्लावर, तो इट बियर्स मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेंस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कार्पस हमें उसको बताया था। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट है दैट टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओवरी मैच्योर होती है टू फॉर्म फ्रूट एंड कंटेन सीड्स, यानी कि आपके क्या बनेंगे, इसके द्वारा फ्रूट्स, सीड्स, न्यू प्लांट्स बनते हैं। ओके सर, अब एक क्वेश्चन और होता है कि जो फ्रूट्स आपका किसी भी प्लांट्स का ए टू जेड कोई भी प्लांट्स हो, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर किसी कोई प्लांट्स का फ्रूट है तो फ्रूट किससे तैयार होता है, यानी कि वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स है कि जिसके द्वारा फ्रूट्स तैयार होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होगा फ्लोवर, जो फ्लोवर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि गुआवा के देख लीजिए, पहले फ्लोवर आते हैं, फ्लोवर का में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आप एप्पल देखिए, अगर जितने भी हैं, चाहे मैंगो है, एप्पल है, आपका ए टू जेड जितने भी हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं किससे, आपके सबसे पहले फ्लोवर, फ्लोवर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रूट्स, ठीक है, और उसी फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक। और कुछ कैसे होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होते हैं, वो जैसे कि आप अगर मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में आप देखेंगे कि वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और किसमें, फली के रूप में, और उसमें क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। और क्वेश्चन, तो ये क्या है, बाईसेक्सुअल होते हैं सारे के सारे, या हर्मेम हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जैसे कि आपका पी है, पी का प्लांट्स होता है, हिबिस्कस का प्लांट होता है, मस्टर्ड का प्लांट होता है, ये सारे की बाईसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो आपका पपाया है, वाटरमेलन है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। तो स्टूडेंट, प्लांट दैट बियर फ्लावर और बोथ सेक्सेस आर कार्ड क्या कहलाता है, एज मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बोथ सेक्सेस होते हैं, ठीक है। आपका जैसे कि कुकरबिटीज है, मेज है, कस्टरवीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि प्लांट दैट बियर ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर कार्ड क्या कहलाते हैं, डायोसियस प्लांट्स कहलाते हैं, ऐसे डेट, पाम, मलबेरी। ओके, इसी प्रकार से कुछ सब प्लांट्स हैं फ्लावर, जो फ्लावर लैक होते हैं बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल,
सच है फ्लावर क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं, जैसे मैंगो एंड मैंगो में आपको स्टेमन और पिस्टल देखने को नहीं मिलेंगे, इसका फ्लावर एकदम ऐसा लगता नहीं है कि फ्लावर है, ठीक है। तो मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर टुगेदर, फ्लावर डू नॉट अलाउ ऑलवेज अकर सिंगली, द फ्लावर विच आर स्मॉल होते हैं साइज में और इन कंस्पिशियस ऑफ्टन अकर इन क्लस्टर्स होते हैं। अब एन एक्सिस बियरिंग होते हैं, से क्लस्टर फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरिसेंस। अब ये इन्फ्लोरिसेंस के आधार पर इनके जो फ्लावर होते हैं, इनकी सिचुएशन होती है, उनके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इट में भी टर्मिनल भी हो सकते हैं, कुछ एक्सिलरी होते हैं। कॉलीफ्लावर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लोरेंस ऑर्केस्ट्रा। तो ये था आपका सक्सेसफुल प्रोसीडिंग प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।